सदर के विधायक अनिल शर्मा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनेक हथकंडे अपना रहे हैं। केवल चुनाव के समय ही सुखराम परिवार को घुटन क्यों होती है, ये अभी तक समझ से परे है। मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा और सदर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रही चंपा ठाकुर ने संयुक्त रूप से ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा को शांत वातावरण में सपने देखने चाहिए, क्योंकि उन्हें अब राजनीति की नहीं बल्कि आराम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सदर के विधायक ने सरेआम कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, ये सब समझ से परे है। अनिल शर्मा सत्ता में बैठी पार्टी के विधायक हैं तथा पूर्व में वे आला मंत्री भी रहे हैं। सदर में विकास न होना विधायक की नालायकी है तथा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब अनेक हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अब जयराम ठाकुर तथा महेंद्र सिंह के काम न करने का ढिंढोरा पीटते हैं, मगर अपनी नाकामी को उजागर नहीं करते। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब आम व्यक्ति परेशान था तो सदर के विधायक अपने आवास पर आराम फरमा रहे थे। कोरोना काल में सदर से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रही चंपा ठाकुर और पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों के साथ लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और अन्य जरूरत का सामान वितरित किया, मगर उसमें सुखराम का परिवार कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सुखराम एंड फैमिली कब तक सदर के मतदाताओं को भ्रम में डालते रहेंगे और अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। सुखराम एंड फैमिली को तो केवल अपना परिवार ही नजर आता है और उन्हें सदर क्षेत्र की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला मंडी को मुख्यमंत्री नसीब हुआ है तथा वे विकास की गति को बढ़ाना चाहते हैं, मगर ये परिवार विकास पर रोड़े अटकाने का प्रयास कर रहा है। सदर की जनता के साथ पंडित सुखराम एंड फैमिली कितनी बार धोखा करेगी, इसका जवाब 2022 के चुनावों में मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को चेताया कि यदि दल बदलू को कांग्रेस का टिकट मिला तो सदर कांग्रेस में बगावत होगी। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री रहते हुए भी थाना पनोला विद्युत परियोजना का कार्य शुरू नहीं करवा पाए, जबकि इस कार्य को जल्दी शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद राम स्वरूप शर्मा और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर तत्पर थे, मगर सदर के विधायक अनिल शर्मा ही इसमें रोड़ा बने रहे। इस अवसर पर कई अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी भी मौजूद रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो वो है कि मंडी से है तो सभी उनका वेलकम करते हैं। जो विकास के काम वो सबको ही दिख रहे हैं कि रुके पड़े हुए हैं, तो उनको भी मतलब गति देनी चाहिए। हम भी उस हक में हैं, पर वो ये कि विधायक मोदी जी जाए ना मुख्यमंत्री जी के पास, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को तो पूरा प्रदेश है। देखो ये 2001 को अगर टिकट दिया जाता है निश्चित रूप से आई फील सॉरी फॉर दैट, पर मैंने ये बोला है कि अगर विकास कार्य का जो है शिलान्यास करिए और हम सब आपके साथ चलते हैं लोगों के जनहित के लिए। मुख्यमंत्री जी से खुद भी अगर विधायक महोदय जी चाहते हैं कि नहीं आए तो मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा।